हेलो नमस्कार, मैं सूरज सिंह एचआर, हमेशा आपके साथ कोटा की धरती से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जस्ट मेरे पीछे सीएसएफ यूनिट केटीपीएस कोटा की, जहां पर सीएसएफ फायरमैन के फिजिकल हो रहे हैं। तो अभी जो है अंदर जिनके फिजिकल हो गए हैं वो लड़के बाहर आएंगे, उनसे बातें करेंगे। तो वीडियो को जो है शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सीएसएफ यूनिट केटीपीएस कोटा के बाहर आज की डेट के जो फिजिकल फिट कैंडिडेट जो बाहर निकलते हुए, ये भाई अपने फिजिकल फिट कैंडिडेट है सीएसएफ फायरमैन में, जो अभी सीएसएफ यूनिट केटीपीएस कोटा में जब भी भर्ती हो रही है। तो ये भाई बताएंगे यहाँ के बारे में कुछ। तो भाई बताओ। सबसे पहले हमारी 5 बजे एंट्री हुई। हाँ भाई। होने के बाद आधार कार्ड और 2 फोटो गेट पे ही मांग लिए थे। हाँ। उसके बाद हमको फॉर्म अप्लाई करवाया था। हाँ। उसके बाद फिर हमें ग्राउंड में लिए जाया गया था। वहाँ हमको पूरी 24 मिनट दी गई थी। हाँ। पूरी आराम से रनिंग करवाई, फुल हाँ। टाइम दिया। उसके बाद जिन जिन ने रनिंग करी उनको दोबारा सेंटर पे लाया गया। फिर वहाँ चेस्ट नापा गया। चेस्ट भी 80 से 85 जिन भाइयों का था उनको भर्ती के अंदर लिया गया। हाइट 170 ली गई थी, और जिन भाइयों ने 170 हाइट थी, जिन भाइयों की 170 हाइट थी उनको लिया गया। और यहाँ का सीआईएसएफ का जो केटीपीसी कोटा का जो माहौल है, ये बहुत ही अच्छा है। और सभी भाइयों ने बहुत बहुत अच्छी मेहनत करके अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। तो यहाँ पर आगामी आने वाले छात्रों को आप क्या कहना चाहोगे कुछ? आगामी आने वाले छात्रों को ये बहुत बढ़िया, और डॉक्यूमेंट अपनी 10th मार्कशीट एंड 12th मार्कशीट, जाति जो केंद्र का हो, केंद्र का चाहिए, स्टेट का भी चल जाता है। हाँ। और अपना मूल निवास, जिस स्थान से हम बिलोंग करते हैं उसका जो मूल निवास है वो चाहिएगा। आधार कार्ड एंड 4 फोटो चाहेंगे। और आपका ग्रुप कितने का बनाया गया था? हमारा ग्रुप 80। तो आज टोटल कितने फिट कैंडिडेट हुए हैं? फिट कैंडिडेट समथिंग 150। 150। और आज टोटल आए कितने थे? 568 में से समथिंग 400 ने भाग लिया था, जिसमें से 150 क्वालिफाइड किए। तो आपको रोड पे भगाया था ग्राउंड में? हमको रोड पे ही भगाया था, जिसमें 2-2 किलोमीटर के तो 2 राउंड थे और 1 किलोमीटर का हाफ किया था। और कुछ आप कुछ कहना चाहोगे? बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो जो भाई आने वाले आगामी में यहाँ जो केटीपीएस कोटा में आना चाहते हैं आएंगे, वो अपनी पूरी तरह प्रिपरेशन करके आएँ, पूरे डॉक्यूमेंट साथ लाएँ। तो भाई ये देख सकते हो आप, सीआईएसएफ फायरमैन फिजिकल कैंडिडेट फिट कैंडिडेट आपके बता रहे हैं कुछ गाइडलाइन। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका यूनिट का सेंटर का बाहर का गेट है। तो हाँ भाई, एक चीज़ रहेगी, आपका जो एंट्री हुआ था इस वाले गेट से होता, दूसरे वाले गेट से होता? दूसरे वाले गेट से हुआ था। दूसरे वाले गेट से होता और यहाँ से छोटा गया था। तो यहाँ से लगभग कितनी दूर है आपको, आप जहाँ से आए? हम वहाँ से आए कम से कम मिनिमम 600 मीटर के समथिंग। 600 मीटर के समथिंग आपको ट्रक में लेके जाया गया था? इनको ट्रक में ले जाया गया था। तो ये जो गेट है ये एंट्री गेट नहीं है, ये एग्जिट गेट है। यहाँ से आपको बाहर निकाला जाएगा, इसका एंट्री गेट जो है वो दूसरी साइड में है। कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यहाँ पे आगामी आने वाले छात्रों को ये वीडियो जो है आप देख लेना। और हाँ, एक बहुत बड़ा सवाल था कि नंगे पैर दौड़ सकते हैं या जूते पहन के? नंगे पैर नहीं दौड़ सकते, रोड में जर्ज पड़ा हुआ है। मतलब कि यहाँ पर नंगे पैर नहीं दौड़ सकते? बिल्कुल पैर नहीं दौड़ सकते, गिट्टी पड़ी है पूरी रोड पर। मतलब कि नंगे पैर अगर कोई दौड़ता है तो उसके इंजरी होने की पूरी संभावना है। तो भाई यहाँ पे जो नंगे पैर जो है ट्रैक पे बिल्कुल भी नहीं दौड़ सकते हैं। तो आपने सुन ली होगी, और ये आप देख सकते हो ये गाड़ी आ रही है सबकी। तो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।